आज लॉकडाउन के बावजूद भी कुछ जरूरतमंद व विकलांग व्यक्ति जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने आरोप लगाया कि इन्हें शासन के द्वारा एक टाइम का भोजन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शासन ने दो टाइम का भोजन देने का वादा किया था, लेकिन नगर निगम के द्वारा एक समय का ही भोजन उन्हें दिया जा रहा है। वह भी कच्चा भोजन होता है जो खाने के लायक नहीं होता है, जिससे आक्रोशित होकर आज सभी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और भोजन और जरूरत की चीजें न मिलने पर दुख व्यक्त किया। वह जिला कलेक्टर से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिला कलेक्टर से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और उन्हें अन्य कमरे में जाने की सलाह दी गई। अब वो भी बंद है। किस लिए आए यहाँ पर? यहाँ साहब से, बड़े साहब से मिलने आए। क्या तकलीफ हो रही? तकलीफ यही है खाने पीने का। एक मिनट, खाने पीने की तकलीफ है, राशन पानी का तकलीफ है, और मकान किराए का है तो किराएदार भी मेरे को मकान मालिक परेशान करता है। जाते हम चाहे बाहर चला जाए, आए हम उनको खाना दिया जाए, पैसा चला दिया जाए, राशन पानी दिया जाए। हम एक हफ्ता हो गया तो हाथ धो नहीं है अभी, और जो बाकी लोग आए हैं बाहर के, बाहर जाने का व्यवस्था नहीं इनके पास। तो नगर निगम आप लोगों को खाना तो दे रही है? खाना नहीं पहुँचा मामा का, फोन करते जब पहुँचता है भोजन नहीं मिल रहा। भोजन एक टाइम आता है, खिचड़ी, कच्चा चावल आता है, कच्चा खाना खा के बीमार होंगे हमें।